हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज लर्निंग इज लाइफ। माई सेल्फ मीनाक्षी आहूजा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल का इंट्रोडक्शन दिया था और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बताया था। आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बताऊंगी, जो कि यूकैरियोटिक सेल है मेनली। इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दोनों सेल्स आते हैं। Through their size and activity vary, all cells have following three major functional cells. Size और activity अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी cell में ये तीन major regions होते हैं, functional regions: cell membrane and plasma membrane, nucleus and cytoplasm. ये तीनों ही organelles सभी cells में, सभी eukaryotic cell में आपको मिलेंगे। See the plant cell and animal cell में difference दिखाया गया है। प्लांट सेल आउटर प्लांट सेल में जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा सेल वॉल होती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एक साइड में होता है, बड़ी सी वैक्यूल होती है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स, गॉल्जी अपरेटर्स, ईआर आगे ऑर्गेनेल्स होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसके अंदर ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम सभी ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इन प्लांट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होती है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, और इसमें जो सेल डिवीजन होता है सेल प्लेट के थ्रू होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो। एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल सेल कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गॉल्जी अपरेटस। एनिमल सेल में एक सिंगल गॉल्जी अपरेटस होता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता है, जबकि प्लांट सेल में, प्लांट सेल हैव मैनी सिंपल यूनिट्स ऑफ गॉल्जी अपरेटस कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं गॉल्जी अपरेटस के, जिसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मैनी स्मॉल एंड टेम्परेरी। मोस्ट मेजर प्लांट सेल हैव परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सेल वैक्यूल एक्सेप्ट द प्रोटोजोन्स यूग्लिना। नो एनिमल सेल पॉसेस प्लास्टिड्स। यूग्लिना को छोड़कर किसी भी एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, जबकि सभी प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड आपके जो होते हैं पिगमेंटेड पिगमेंट कैरी करते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, लीव्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल आर लार्ज देन एनिमल सेल्स। न्यूक्लियस यूजली लाई इन द सेंटर, न्यूक्लियस लाई ऑन वन साइड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। वन साइड क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी सी वैक्यूल होती है, तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वन साइड मूव कर जाता है। एनिमल सेल कैन चेंज देयर शेप बिकॉज द आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, no rigid cell wall, therefore they can change their shape. But plant cell cannot change their shape because of rigid outer covering as cell wall. Next topic is plasma membrane or cell membrane. Plasma membrane is the outer covering of each cell. It is present in cells of plants, animals and microorganisms. सभी में होती है ये। मोस्ट सेलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, परोक्सीसोम, गॉल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल क्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी आपके ये ऑर्गेनेल्स हैं सभी एनक्लोज्ड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि इन सबके चारों तरफ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग डेलिकेट थिन इलास्टिक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
Chemical analysis has shown that plasma membrane to be 75% phospholipids. जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 75% फॉस्फोलिपिड्स का बना है, यानी फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बना है. इन एडिशन द मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसेकेराइड्स ऑल्सो. द प्लांट मेम्ब्रेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. It also prevent movement of some other materials. Therefore, it is called selectively permeable membrane. ये question आता था, why plasma membrane is called selectively permeable membrane. तो इसका answer आप यहाँ से लिख सकते हैं. Next, transport across the membrane. हम कहते हैं function of plasma membrane. Function of plasma membrane को हम दो parts में divide कर सकते हैं transport के according, active transport and passive transport. In active transport, plasma membrane require energy. Active transport के लिए plasma membrane को energy चाहिए होती है, ATP का use करती है वो. It usually occur against the concentration gradient. Active transport हमेशा concentration gradient के against में होता है, opposite direction में होता है. It means concentration gradient क्या होता है? जब कोई भी मटेरियल वन साइड पर ज्यादा हो उसकी कंसंट्रेशन और वन साइड पर कम हो तो वो मूव करती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, यानी कि जहां पर कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा है उसी साइड पर हमें और मटेरियल लेकर आना है, तो इसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो हम उसमें एनर्जी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉसेस कैरियर प्रोटीन. इस काम के लिए इसमें कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ग्लूकोज एमिनो एसिड्स एंड सम आयंस पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द एक्टिव प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस एटीपी इज यूटिलाइज्ड. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम आयन पंप. सेल के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम आयंस का पंप चलता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चलता है, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है. नेक्स्ट है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट. इट इज द पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. इसमें एनर्जी की कोई खर्च नहीं होती, एनर्जी कोई जरूरत नहीं होती, कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती. ये भी आपका टू टाइप्स का होता है, डिफ्यूजन नेक्स्ट ऑस्मोसिस. दोनों ही आपने 6th to 8th क्लासेस में पढ़े हुए हैं दोनों ही टॉपिक. डिफ्यूजन Diffusion is the spontaneous movement of the molecule from a region of high concentration to low concentration until uniform concentration is finally achieved. यानी diffusion जो होता है spontaneous movement है, अपने आप होने वाला movement है molecules का higher concentration से low concentration की तरफ, जब तक कि दोनों तरफ की concentration equal ना हो जाए. Diffusion is faster in gases phase then in liquid and solid. सबसे ज्यादा gases में होता है, फिर liquid में, फिर solid में. Some substances like carbon dioxide which is the cellular waste and required to be excreted by the cells accumulate in higher concentration inside the cell. CO2 जब ज्यादा कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट हो जाती है सेल के अंदर. इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू द इनसाइड द सेल एंड और उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर का जो कंसंट्रेशन होता है CO2 का वो कम होता है, तो आपका आपकी सेल के अंदर से CO2 बाहर की तरफ क्या हो जाती है, डिफ्यूज आउट हो जाती है. एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल CO2 move outside of the cell from a region of high concentration to the region of low concentration outside the cell by that process of diffusion. Similarly, oxygen enter the cell by the process of diffusion when the level of concentration of oxygen inside the cell decreases. Thus, diffusion play an important role in the gases exchange between the cell as well as the cell and its external environment. Water also obey the law of diffusion.
ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ हायर रीजन हायर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल डिफ्यूजन थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन जब हम डिफ्यूजन हमारा वाटर में होता है तो हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, और इसके लिए हमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड सम प्लांट सेल्स टेंड टू द गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। Now, place the cell in solution. Plant and animal cell placed in salt or sugar solution will behave in one of the following way depending upon the concentration of external solution. Osmosis in plant cell, different solution ke according. Isotonic solution, जब आउट सेल के आउटर और इनर दोनों साइड का कंसंट्रेशन सेम होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब बाहर का कंसंट्रेशन कम होता है और अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और अंदर का कम होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. Water across the cell membrane in both directions, but the amount going out. So, there is no overall movement of water. The cell wall stays the same size. Cell ki size bhi same rehti hai. Hypotonic solution, if the medium surrounded by the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such solution is known as hypotonic solution. Water molecules are free to pass across the membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that water enter the cell. The cell is look swell up. इसका example हम बोल सकते हैं, जैसे किशमिश को हम जब पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाती है, तो वो आपका hypotonic solution है. Next, hypertonic solution. If the medium has the lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution known as hypertonic solution. Again, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leave the cell than enter it. Therefore, the cell will shrink. इसमें हम example ले सकते हैं grapes को जब हम sugar water में dissolve करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे grapes आपका श्रिंक हो जाता है, तो वहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, सेल वॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। सेल वॉल इज अ रिजिड सेमी इलास्टिक सेमी ट्रांसपेरेंट सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल्स फंजाई बैक्टीरिया सम प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स। जैसे अमीबा यूक्लिना पैरामीशियम वगैरह में भी होते हैं। प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स फाइबरस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल वॉल पॉसेस मेनी स्मॉल पोर्स थ्रू विच एडजेसेंट सेल रिमेन कनेक्टेड। सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे दो सेल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं। दीज पोर्स हैविंग साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा को ही ये आपका ब्रिज बोलते हैं, जो दो सेल्स को आपस में जोड़ता है, दो सेल्स की सेल वॉल्स को। द सेल वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स आर ग्लूड टुगेदर बाय द मिडिल लैमेला।
दो सेल्स की सेल वॉल आपस में चिपकी रहती हैं एक ग्लू टाइप मटेरियल से जिसको मिडिल लैमेला बोलते हैं। मिडिल लैमेला इज अ जेली लाइक सब्सटेंस मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। सेल वॉल परमिट द सेल प्लांट सेल टू बिकम टर्जिट, सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल टर्जिट हो सकती है, फूल सकती है, बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, वो बस्ट हो जाती है क्योंकि उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है आउटर कवरिंग। एज वाटर एंटर द वैक्यूल थ्रू द ऑस्मोसिस द प्लांट सेल एक्सपेंड्स, द सेल वॉल हैज टू स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन एंड सो एनेबल द सेल टू बिकम टर्जिट। प्लाज्मोलाइसिस, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉस देयर वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंसेंट्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। देखिए नॉर्मल सेल है, जैसे जैसे इसमें से वाटर बाहर ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आया, इसका कंटेंट आपस में कंसनट्रेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होकर ये एक साइड में इकट्ठा हो गया, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। अब मैं आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर के अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगी वीडियो में। कोई भी अगर आपको साइंटिफिक टर्म में प्रॉब्लम हो, उसका मीनिंग ना पता हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।